78 से शुरू किया उन्होंने, तो 78 के बाद फिर हम दोनों भाइयों ने लैदा लैदा अपना सेपरेट कर लिया है। ये अच्छे जने हैं यार, अच्छे जने हैं, नो डाउट ये अच्छे जने हैं। आई थिंक ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान है क्या है इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, टिपटक की एक और फ्रेश अमेजिंग और डिलीशियस एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। और आज हम लोग अपनी चना सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले 10 एपिसोड कंप्लीट हो चुकी हैं यार। चना सीरीज की नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर डाला है, कार्ड में डाल दूंगा, आप जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन आज जो है एक स्पेशल जगह के ऊपर लेके आए हैं। पीछे मेरे आपको जो है वो झीला चने वाला नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो है वो इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा जो है वो पतीला यहाँ पर रखा हुआ है। और क्या ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पर जो है वो चने बन रहे हैं। यहाँ पर दो दुकानें हैं। पता करने पे हमें पता चला है कि भाई ये झीले के दो बेटे थे जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें जो हैं वो सेपरेट कर ली हैं। अब वो अलग अलग चने बेच रहे हैं लेकिन एक ही नाम से बेच रहे हैं, कोई बोर्ड शोर्ड यहाँ पर लगा नहीं हुआ। एक ही नाम से दोनों भाई जो हैं झीला बाट के बेटे दोनों वो जो है यहाँ पर चने बेच रहे हैं। तो देखते हैं भाई जाके दोनों के चने ट्राई करेंगे, दोनों के जो है वो कुछ पाए शाए या फिर खद्दे शद्दे जो है वो ट्राई करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा है वहाँ पे और दोनों में से किसके चने ज़्यादा बेहतर हैं। तो शुरू करें। तो डिसाइड ही होगा कि सबसे पहले हम छोटे भाई की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जो है वो इसके चने और खाद जो है वो ट्राई करने जाएंगे और इसके जो है वो छोटे भाई से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं कि वो क्या जो है वो इस बारे में कहते हैं। तो आएँ ज़रा उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वकार है मेरा नाम, वाला साहब का नाम है अजीला बड़ चने वाला। 78 से शुरू किया उन्होंने, तो 78 के बाद फिर हम दोनों भाइयों ने लैदा लैदा अपना सेपरेट कर लिया है। अंडा चने होते हैं, कोफ्ता होता है, मटन होता है, देसी मुर्गा होता है, सिरी पाई होती है। सुबह 5:30 से लेके 2 बजे तक होती है दुकान हमारी। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास जो है छोटी दुकान के ऊपर चने इनके कोफ्ते के साथ, अंडे के साथ, और जो है वो बकरे की खद। खद मीन्स के इसका जो मुंह वाला फेस होता है सारा, उसमें से जो है वो चीज़ें निकली हुई होती हैं जिसमें ज़ुबान भी आ जाती है, इसका मग़्ज़ भी आ जाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हमारे पास जो है वो मटन की खद और जो है हम इनके पास जो है वो स्पेशल वाले झीले के चने विद कोफ्ता एंड अंडे। और बिल्कुल सिंपल, पहले सिंपल चने जो है वो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या टेस्ट आता है। काफ़ी जो है वो एक्साइटिंग किस्म की फीलिंग आ गई है। हमें नहीं पता था यहाँ पर जो है वो दो भाई अलग अलग हो चुके हैं। अब एक्साइटमेंट इसलिए है कि भाई दो भाई अलग अलग हो गए, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो लेट्स सी। ये अच्छे चने हैं यार, अच्छे चने हैं, नो डाउट ये अच्छे चने हैं। झीला चने वाला जितना मशहूर इसका नाम है और जिस तरह का इसकी जो है वो मशहूरी है और जो बड़े बड़े पतीले जो है वो उन्होंने रखे हुए हैं तो जस्टिफाई कर रहे हैं यार। ऐसा नहीं है कि चने जो है वो सही नहीं है या कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो चने जो है वो टोटली इनके नाम को जस्टिफाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छे चने हैं। कोफ्ते के साथ ट्राई करेंगे और कोफ्ता देखेंगे कि भाई इनका कोफ्ते का क्या सीन है। अच्छा, कोफ्ता इनका नरम है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, तो टेस्ट में देखते हैं क्या होगा। कोफ्ता मज़े का यार, प्लेन टेक्सचर है, साइज़ में बड़ा है और खाने में भी जो है वो काफ़ी शोर से मुंह में जाके घुल जाने वाला है आपके। तो कोफ्ते के साथ जो है ना ये चने भी काफ़ी मज़ेदार किस्म का जो है वो कम्बिनेशन बना रहे हैं। अंडे के साथ मैं ज़्यादा शौक से खाता नहीं हूँ लेकिन ट्राई कर लेता हूँ कि भाई अंडे के साथ ये किस तरह का टेस्ट बनेगा इसका। अंडे के साथ ठीक है यार, मैं ज़्यादा अंडे के साथ चने खाता नहीं हूँ लेकिन टेस्ट भी ठीक ठाक है। लेकिन सादा चने और कोफ्ता चने जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब जो है अपनी आती है खद की तरफ। खद वाला जो सीन है ना, मैंने पहले खद नहीं खाई हुई, खाई है लेकिन इस तरह से बाहर बैठ के नहीं खाई, खुद घर में बनी हुई जो
इसका जो वो है वो खाया हुआ है बाहर, इस तरह मैंने कभी नहीं खाया। इसको ट्राई कर लेते हैं। और ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, एक पूरा पीस मुझे लग रहा है इसके अंदर। आई थिंक ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान है क्या है इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जो भी है मैं इसको टेस्ट ज़रूर करूँगा। जिस तरह पाए के ऊपर से बाल जला के जो है वो उसको तैयार करते हैं, इसी तरह भी जो सिरी होती है उसको भी जो है वो ऊपर से जला के उसको जो है वो प्रॉपर पूरे तरीके से जो है वो बनाया जाता है। यार मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं पाए का जो है वो फुल शौकीन हूँ, तो ये जो बकरे की खाद है इसका एक अलग ही टेस्ट है। इसका जो बोटी है ना उसका एक डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट सा टेक्सचर है, लेकिन मज़ेदार सीन है। शोरबा जो है वो बिल्कुल पाए की तरह मुझे लग रहा है, लेकिन जो इसके बोटी का टेस्ट है ना वो टोटली यूनिक है, डिफरेंट है, और मुझे जो है वो मज़ा आया। शायद कुछ लोगों को जो है वो ना मज़ा आए, कुछ लोग ना खाएं इसको, लेकिन मुझे जो है ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। अमेजिंग है। ये मेरे सामने जो जिशान साहब बैठे हैं कैमरे के पीछे, ये नहीं खाएंगे, मुझे 100% यकीन है। ना ये पाए खाते हैं ना ये खद खाते हैं, खद तो मैंने सुना नहीं, लेकिन मुझे 100% गारंटी है कि इसने नहीं खाने। मुझे यार मज़ा आया, दोनों चीज़ें खा के मज़ा आया। चने भी जो है वो मैं अच्छे रेट करूँगा, और यहाँ पर जो ये खद है ना, आज डिफरेंट एक्सपीरियंस था, डिफरेंट टेस्ट था, तो मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आया खा के। और मेरा तो दिल कर रहा है ये शोरबा भी पीने का, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, पियेंगे नहीं। अब जो है वो इसके बड़े भाई की तरफ भी हमने जाना है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जाके ट्राई करते हैं। तो बस अगर इन दोनों को मैं रेट करूँगा तो रेटिंग मेरे ख्याल एंड पे करते हैं, जब दोनों भाई को आपस में कंपेयर करेंगे ना फिर मैं बताऊँगा कि कौन सा भाई जो है वो ज़्यादा बेहतर चने और जो ये खाद है वो दे रहा है, तो रेटिंग एंड पे करेंगे। अच्छा जी, झीला साहब के दो जो बेटे हैं उनमें से जो छोटे बेटे हैं उनके चने हम लोगों ने खा लिए हैं। अब दोनों ही जो है वो झीला के नाम से चने बेच रहे हैं, दोनों की दुकानें भी साथ साथ हैं। तो अब जो है हमने क्या करना है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो दोनों के वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड कीजिएगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि बड़े भाई के पास हम लोग जो है वो इसके बाद अभी जाने वाले हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो दिखाई देंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। झीला पार्ट टू आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएगा, जिसमें बड़े भाई के पास जाएंगे हम लोग और वहाँ पे जाके चेक करवाएंगे कि भाई वहाँ पे क्या सीन चल रहे हैं। इतना बड़ा पतीला रखा हुआ है, कोई 250 जो है वो किलो के वहाँ पर जो है वो चने आ जाते हैं, उस पतीले के अंदर 250 किलो के चने बनते हैं। हम लोग जा रहे हैं बड़े भाई के पास। आपने अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो यार चना सीरीज़ हमारी जो है वो चल रही है, 10 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, तो डेफिनेटली जाके जो है वो मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर चना सीरीज़ का, जाके चेकआउट कीजिएगा, लाहौर के बेस्ट चने जो है वो आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, दिस इज़ सैफ राणा, अल्लाह हाफिज़।